नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर इंडिया में। आज मैं आपको महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585 DI जो कि कंपनी ने नया मॉडल निकाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी यूवो टेक प्लस का एक रिव्यू का वीडियो बनाया था, इसके अगर हम HP की बात करें तो यहाँ हमें वही 50 HP में देखने को मिलेगा। इसमें जो बदलाव किया गया है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि इसमें कंपनी ने क्या नए और बदलाव किए हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। अगर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो इसकी धड़ी दे रखी है, ये पूरी धड़ी चेंजर्स है और इसमें धड़ी एडजस्टेबल दे रखी है। इस धड़ी को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से इसमें देख सकते हो पूरी इस धड़ी की हम चौड़ाई को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम ये देखते हैं कि यह ट्रैक्टर हमें सिंगल पावर स्टीयरिंग के साथ आएगा। यहाँ ट्रैक्टर हमें सिंगल पावर स्टीयरिंग के साथ देखने को मिलेगा। इसमें हम इस धड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं, इस कारण से इस ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग करके कंपनी ने दिया है। और यहीं पर हम इस ट्रैक्टर में और भी देखें कि और क्या बदलाव किया गया है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में हमें वार्निंग के स्टिकर लगे हुए देख मिलेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस पर शब्द वार्निंग के स्टिकर लगे हुए हैं, ये बैटरी पे भी लगे हुए स्टिकर, ये ऐसे स्टिकर आपको इस ट्रैक्टर में हर जगह देखने को मिलेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं गियर बक्से के यहाँ पे गियर के स्टिकर भी लगे हुए हैं। और यहीं इसी के साथ हम इसमें और भी जगह देखें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ड्राफ्ट कंट्रोल के स्टिकर भी इसमें लगे हुए हैं कि आपको इस ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को कैसे यूज़ करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर स्टिकर के लगा के दे दिया गया है। यहीं पर आप ये देख सकते हैं इसके पार्किंग ब्रेक का स्टिकर लगा हुआ है। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हम इसमें चाबी लगाएंगे, चाबी स्विच के लिए भी इसमें स्टिकर लगा के दिए गए हैं। ये इस ट्रैक्टर में आप पूरा सिस्टम इसका पीछे देख सकते, पहले जैसे ही होगा जैसा ही दे रखा है। बस इसमें जो मेन में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक और नए वीडियो के साथ।